हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पेंट हाउस के बारे में, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खिलाड़ी, बाजीगर, बादशाह, अजनबी, ऐतराज जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले निर्देशक अब्बास मस्तान पिछले कुछ समय से फिल्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के आने से कंटेंट की मांग बढ़ गई है और ऐसे में वे लोग भी एक्टिव हो गए हैं जिनके पास काम नहीं था। नेटफ्लिक्स के लिए अब्बास मस्तान एक थ्रिलर मूवी बनाने जा रहे हैं। बता दें कि अब्बास मस्तान ने कई थ्रिलर मूवी बनाई है जो दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई है। अब्बास मस्तान की इस मूवी का नाम पेंट हाउस रखा गया है। ये ऐसे तीन दोस्तों की कहानी होने वाली है जो बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक पेंट हाउस खरीदा है जहां पर वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। इसकी चाबी तीनों के ही पास है। एक दिन एक लड़की की लाश पेंट हाउस में मिलती है जिसमें सब की सुई तीनों की ओर घूमती है। बता दें कि अब्बास मस्तान की इस फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन होने वाली है। बॉबी देवल, अर्जुन रामपाल और सरमन जोशी हीरो का पार्ट अदा करने वाले हैं और इनका चुनाव पहले ही हो गया था। अब हीरोइन को भी फाइनल कर लिया गया है। मोनी रॉय इस फिल्म से जुड़ गई है। इसके साथ मंजरी पंडित भी जुड़ गई है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। खबर ये है कि इस फिल्म की शूटिंग 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड इस मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।